और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। पैसे या जमीन ले ली गई है उतने लोगों को, तो उन्होंने नौकरी भी नहीं दी, और किसी एक जिम्मेवार पद पे रहकर इस तरह का घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना कानून के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा अपराध है। जो कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। नौकरी के बदले जमीन लेने वालों को क्या उनको मिठाई खिलाएगी कि कानून उस पर कार्रवाई करेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू परिवार के खिलाफ जारी हुआ समन को लेकर लगातार बीजेपी लालू परिवार पर निशाना साध रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लैंड फॉर जॉब्स मामले पर लालू परिवार को निशाने पर लिया, और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा ये कहे जाने पर कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करती है, इस पर भी उन्होंने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जायज है और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। रेलवे में नौकरी के बदले गरीबों से, बेबस नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से और उनके अभिभावकों से जमीन लेना और जमीन लेकर नौकरी देना, यह बहुत ही कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो यह कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने ज़मीन दी है या किसी न किसी रूप में उनकी भ्रष्टाचार के हिसाब से जो जो चीज़ हुआ है, जितना उनसे पैसे या ज़मीन ले ली गई है उतने लोगों को तो उन्होंने नौकरी भी नहीं दी है, और किसी एक जिम्मेवार पद पे रहकर इस तरह का घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना कानून के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो कहना चाहूँगा पूरे तेजस्वी जी से, लालू जी से और उनके पूरे परिवार से और जिनका जिनका नाम इसमें, उसे सारे लोगों से कि क्या सीबीआई जो स्वतंत्र इकाई है, जो तो अपराध करने वालों को, घोटाला करने वालों को, नौकरी के बदले जमीन लेने वालों को क्या उनको मिठाई खिलाएगी कि कानून उस पर कार्रवाई करेगी? जो कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, और तभी जाकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। देखिए आप उस संस्कार के तो हम हैं नहीं, लेकिन सरकार तो सरकार में तो वह भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, तो आरजेडी भी सरकार में रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही है, कम्युनिस्ट भी सरकार में रही है और आज जदयू के साथ उनकी सरकार है। तो इस तरह की अभद्र भाषा बौखलाहट में बोली जाती है और जनता इसको देख रही है। अब जो जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में यह लिप्त है और उस परिवार के और इस सरकार के किसी मंत्री के द्वारा, जो बिहार की सरकार है, इस तरह की बात करना बहुत ही घोर और आपत्तिजनक है। सीबीआई क्या करेगी? कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी या उनको भ्रष्टाचारियों को मिठाई खिलाएगी? बिहार की जनता देख रही है, अच्छा से हिसाब करेगी। आरक्षण की बात हो रही है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 33% नहीं से 50% कर देना चाहिए। देखिए महिला का सम्मान भारत की सांस्कृतिक विरासत में शुरू से रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और महिलाओं का आरक्षण, 33% का आरक्षण अद्भुत, अनोखा और नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला और महिलाओं को सशक्त बनाने वाला यह विधेयक है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, बहुत अच्छा कदम। भाजपा सांसद के द्वारा एक, तो आपने सुना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को, जिन्होंने लैंड फॉर जॉब्स मामले पर लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग रेलवे में नौकरी देने के बदले गरीब, बेरोजगार और लाचार युवाओं तथा उनके अभिभावकों से जमीन ली। हालांकि बहुत से लोगों से जमीन लेने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई और ये कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि आप जमीन के बदले नौकरी दे रहे हैं और ऐसे में सीबीआई आपको मिठाई तो खिलाएगी नहीं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप जमीन के बदले नौकरी दे रहे हैं, ऐसे में सीबीआई आपको मिठाई तो खिलाएगी नहीं बल्कि कार्रवाई ही करेगी, और जो उचित भी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।